अच्छा भाई भाई आप भी आ जाओ भाई साहब, थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा सा मुझे फोटो ले दो भाई, थोड़ा साइड हो जाओ। नहीं वो आवाज आ रहा है ना, क्या बात, इधर लुक दीजिए थोड़ा सा, वेरी गुड, अति सुंदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा हटिए सर, थोड़ा हटिए सर, यस यस, वाओ, लुक यार बाबू, क्या बात, अति सुंदर, थैंक यू थैंक यू मैम, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, लुक हियर, और मैंने भी ऐसी फिल्म है जो धीमी आंच में पकी है और इसको समय बहुत लगा लोगों तक पहुंचने में, लेकिन इस स्क्रिप्ट को एक्चुअली अगर लोगों को पता हो तो लगभग 6.5-7 साल लग गए। तो कोई एक ऐसा टॉपिक जो इतने साल तक रेलिवेंट है वो बिनियन फैमिली है, और ये अनंत अनादि तक, जब तक अगली पीढ़ी उसके बाद वाली पीढ़ी, ये कहानी चलती रहेगी, क्योंकि ये हर घर घर की कहानी है। और महसूस तो यही हो रहा है कि नमन ने बहुत अच्छा मुझे लिख करके मैसेज भेजा, इसने बोला कि सर आई एम ऑन क्लाउड 9000, तो महसूस क्या बोले, मतलब एक शून्यता की तरफ चले गए यार, इतनी खुशी और इतना सराहा जाएगा ये बहुत कम उम्मीद थी, बट जहाँ कहीं भी जा रहे हैं बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है, थैंक्स टू दीज गाइज, आई मीन इनकी वजह से मैं भी फेमस हूँ। क्योंकि ना हमने फिल्म के जर्नी के बारे में बात नहीं की है, सो आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि हम नया कुछ बोलें। आई थिंक संजय सर विल बी द राइट पर्सन जो इस फिल्म के साथ पिछले 6-7 साल से जिए हैं, और शायद ही दुनिया में कोई ऐसी अड़चन होगी जो नहीं आई होगी इस फिल्म को बनने में, बट इन सबको पार करते हुए एक मतलब ये हमारे राम हैं, मैं क्यों इस मामले में कह रहा हूँ, ये एक्चुअली मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम भगवान के जीवन में जो जो सिचुएशंस आई ना, कि भाई आप राजा के बेटे होने के बाद भी 14 साल वन में गए, फिर वहाँ से सीता भैया जो है किडनैप हो गए, फिर श्रीलंका जा करके ढूंढना, फिर उनको लेकर के आना, फिर धोबी का एक अपना जो कहना, बट उसके बीच में उन्होंने कभी वो मुस्कुराहट नहीं छोड़ी, उन्होंने सिचुएशन को सिचुएशन की तरह देखा और अपने कैरेक्टर को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम बना के रखा। वो संजय जी प्लीज से क्या होता है कि फिल्म में दो तरह की होती है, एक होती है एक प्रोजेक्ट की तरह होता है, एक होता है जो आपका पैशन होता है, जब आप किसी पैशन के साथ किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो फिर उस
में मायने नहीं रखती। तो इतना देर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट था, मैंने पुलिस को लिखा था, पुलिस को महसूस किया था, बहुत शिद्दत से महसूस किया था, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ही नहीं बट आसपास की ज़िंदगी में इस चीज़ों को बहुत बहुत करीब से महसूस किया था। तो कहीं वो था कि ये चीज़ निकलनी चाहिए। और बट फिल्म मेकिंग का एक प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं है कि पेंटिंग इतना है कि आपने घर में बैठ के कुछ पेंट कर दिया या किताब लिख दी। यहाँ ये है कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है, आपके सपने को एक मुकाम तक पहुँचना चाहिए। तो उस जर्नी में थोड़ा टाइम लगा, बीच में कोविड आ गया, हमें जब लंदन जा रहे थे वहाँ वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा था, बहुत सारी अड़चने आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन ये है कि ऑल वेल दैट एंड वेल, तो लोगों का जो प्यार मिल रहा है शायद भगवान की मर्जी थी, जो भी तकलीफें वो कम से कम लोगों को बात दिन तक पहुँचे और उनको छुए। सबसे बड़ा हार्टनिंग एक्सपीरियंस यही है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जहाँ भी मैं गया हूँ, जहाँ भी लोगों से मिला हूँ, और जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो लोगों से कॉल आ रहे हैं, जो मैसेजेज आ रहे हैं, वो बहुत हार्टनिंग है। तो आई थिंक सारा परिश्रम सात साल या छः सात साल की जो जर्नी है आई थिंक वो सार कर। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है ना कि we have actually obliterated the boundary of being a small film and a big film. ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो मतलब ऑडियंस के लिए बहुत नई बात होगी जानने में कि हम लोगों ने द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्रू के साथ ये फिल्म की शूटिंग की है। मतलब जो मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट का एक आदमी रहा होगा, मतलब हार्डली 35-40 इंक्लूडिंग द एक्टर्स हमारे लिए मिल रही थे। सो दिस फिल्म was because of some reason here and there, we always had a very small unit of film. But it's a big film. Do you think the two stars are gone? Yeah. So as we said, they're two stars, we are two stars are gone. क्या खास करते हैं जब मैं अंधेरी की बात करता हूँ ना, द वे पीपल आर इंटरेक्टिंग विद हर, जिस तरह से लोग घेर लेते हैं, जिस तरह का प्यार मिल रहा है। सर आप यूर यू नो लीगेंड एक्टर इन द इंडस्ट्री, इतना सब कुछ आपने काम किया है, क्या खास बात है? आई थिंक इसका आंसर ये बहुत अच्छा था। नहीं, आई वांट यू टू आंसर। अरे मुझे इतनी भाई खुशी होती है ना, खासकर इन दोनों के लिए, कि इन्होंने वो परिभाषा के बहुत परे जा चुके हैं, जहाँ पे जैसे ही आपको पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री के परिवार से एक लड़की आगे आई है, उसको उस परिभाषा को उनका को पार करना, ये शायद इसकी अपनी कला है जिसने उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखा है। दैट शी इज अ प्रिपेयर्ड आर्टिस्ट एंड शी इज, यू शुड नॉट जज हर बाय द फैमिली शी बिलोंग्स टू, एंड हर वर्क इज स्पीकिंग फॉर हर सेल्फ। She, her personality speaks for herself, her upbringing speaks for her, you know. So I think कि ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण है, ये आज के युग में इतनी सुलझी हुई, समझी हुई, सहमी हुई और still एक इतनी खूबसूरत कलाकार हमारे बीच में। कितने लोगों ने कहा इट डजंट साउंड कि आपकी ये पहली फिल्म है? आई फील लाइक दैट, आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा अगर कुछ सुना है थिंक वही सुना है। सो ऑफ कोर्स एज समवन बीइंग हर फर्स्ट फिल्म, ऐसा सुनना इज व्हाट यू वांट टू हियर। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। डू यू थिंक रिस्पांसिबिलिटी गोस अप व्हेन यू हियर सच यू नो कॉम्प्लीमेंट्स? ऑब्वियसली आगे फिल्मों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और उससे बेहतर करना पड़ेगा। आई थिंक वो आई थिंक मेरे डैड ने मुझे नोटिस कराया, उन्होंने कहा कि नाउ दैट यू आर गेटिंग इतना प्यार मिल रहा है फर्स्ट फिल्म में, सेकंड में डबल बेटर करना है। Some thought. नमन बर्थडे है, फिलोसफी जुड़ी है। वो लाइन किसकी है? नमन कोई नहीं सोच सकता। इम्प्रोवाइज्ड ऑन द स्पॉट। नमन प्लीज स्टार्ट रेडी फॉर यू। ऑनेस्टली माई ओनली मैसेज टू दी ऑडियंस कि हमने ये फिल्म बहुत प्यार, बहुत सिंसियरिटी और बहुत डेडिकेशन के साथ बनाया है, और जितना मज़ा हमें आया है, अगर उसका 10% भी आपको आए, वो लव ट्रांसलेट हो आप ऑडियंसेस को, तो आई थिंक विल बी सक्सेसफुल। एंड या
हाउसफुल चल रहे हैं और शोज ऐड कर रहे हैं वो भी हाउसफुल कर दीजिए. एंड जेन ज़ी के लैंग्वेज में जेन ज़ी के लिए बोल रहा हूं. ऑलराइट योर बॉय बी फील सी यू एट द थिएटर्स. पीस पीस. यस मेरा ये कहना है कि हर जनरेशन की ना हर समय में अपनी चुनौतियाँ होती हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. मुझे लगता है कि हर जनरेशन को ना एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए. तो दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू से. कोई गलत नहीं होता, कोई नहीं होता. सिचुएशन होती हैं जो आपको एक दूसरे की नज़र पर विलन बना देती हैं. तो कोई ऐसा बुरा नहीं चाहता कोई बात नहीं किसी का, लेकिन सिचुएशन कभी ऐसी हो जाती है. तो एक दूसरे को जज ना करें, समय बिताएं. क्या होता है ना कि हवा पानी और भोजन की तरह परिवार को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. बाद में जब समय गुजर जाता है फिर हमको एहसास होता है. तो वो उसका वेट मत कीजिए. अगर आप बिजी भी हैं जाके 2 मिनट पापा के साथ बैठ लीजिए, जाके 2 मिनट दादा दादी के साथ बैठ लीजिए. यू नेवर नो व्हाट जेम विल कम आउट करता है. तो ये आई थिंक मैं कहना चाहता हूँ थ्रू द फिल्म. डोंट वेट फॉर अ ड्रामेटिक इंसिडेंट टू हैपन इन योर लाइफ एंड देन रियलाइज यू आई शुड डू इट. या आपका वो गेट हो चाहे जो भी चीज़ हो या आपका किला मन उसकी वजह से प्रेरित होकर आप वो चीज़ ना करें. जेन्युइनली करें, ऑर्गेनिकली करें. और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा जेम मिले जो आप जिंदगी भर उसको चेंज कर रहे हैं. मैं तो यही बोलूँगा कि अपने इस अनुभव से मैं कह रहा हूँ